राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ कि हमें घर में क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने नहाने वाले पानी में डालकर नहानी चाहिए जिससे हमारे नवग्रह ठीक हो सके। मैं आपको एक एक करके वो चीज़ें बताऊंगी और अगर आप 43 डेज उसमें से एक चीज़ ले लेनी है जिससे आप रेगुलर नहाएं 43 डेज, फिर वो वाला ग्रह आपका बिल्कुल से अच्छा हो जाएगा और आपको उन्नति मिलेगी। सबसे पहले अगर आप बहुत सारी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा, आपको कोई भी आपके पाथ ब्लॉक हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको काले तिल लेकर अपने नहाने वाले पानी में डालकर नहाना चाहिए। सेकंड चीज अगर आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, आप बहुत लो फील कर रहे हैं, आप बहुत परेशानी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक चुटकी भर नमक डालकर अपने नहाने वाले पानी में डालकर नहाना चाहिए जिससे आपकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और थर्ड चीज जो आप क्या चाहते हैं, अगर आप अपने लाइफ में शोहरत, दौलत, लग्जरी लाइफ, पैसा चाहते हैं, शुक्र देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कुछ बूंदे देसी घी की, ड्रॉप्स ऑफ देसी घी अपने पानी में, नहाने वाले पानी में डालें, और दो इलायची आपको अपने नहाने वाले पानी में डालकर नहाना चाहिए जिससे आपके शुक्र देव प्रसन्न होंगे और आपको लग्जरी लाइफ मिलेगी। चौथी चीज क्या है, आपको अपने नहाने वाले पानी में इत्र डालकर या परफ्यूम डालकर नहाना चाहिए जिससे भी शुक्र देव भी प्रसन्न होंगे और लक्ष्मी माता महालक्ष्मी जी भी प्रसन्न होंगी। फिफ्थ है आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने नहाने वाले पानी में हल्दी या इत्र दोनों डालकर या परफ्यूम कुछ भी डाल, ये दो तीनों चीजें डालकर नहाना चाहिए जिससे आपके अगर संजो शादी के योग नहीं बन रहे हैं, शादी में रुकावट आ रही है, शादी हो नहीं रही, डिलेज हो रहे हैं, आपको कोई जॉब नहीं लग रही, आपकी उन्नति नहीं हो रही, तो इससे बृहस्पति और शुक्र दोनों मजबूत होंगे, इससे आपकी शादी के योग बनेंगे और आपके ग्रह ठीक होंगे। उसके बाद सबसे मेन ग्रह जो है राहु और केतु, उनको शांत करने के लिए, उनका प्रभाव, दुष्ट प्रभाव से बचने के लिए हमें चमेली के तेल की बूंदे या कपूर के तेल की बूंदे अपने नहाने वाले पानी में डालकर नहाना चाहिए। इन ये दोनों तेल की अगर हम बूंदे डालकर नहाते हैं तो इससे शनि की भी जो दृष्टि है हमारे ऊपर, धैया चल रही है, साड़सती चल रही है, उससे भी हमें निजात जाती है और शनि देव की कृपा हमें मिलती है। सो राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया कीजिए सो दैट मैं आपके लिए और नई टिप्स और नए उपाय के साथ रोज आ सकूं।